जगाना है, लक्ष्मी का आह्वान करना है, तो लक्ष्मी अर्थात स्वच्छता की देवी, इसलिए तो स्वच्छता का कंसेप्ट केवल महालक्ष्मी के लिए। तो इतनी क्लीनलीनेस, तो पुरुषार्थ भी हमारा होगा यही कि इतने क्लीन हम रहे। अच्छा चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। देखो तीन ग्यारह, मीठी बच्ची, अंदर बाहर साफ, कोई भी गंदी आदतें इसमें, कोई भी गंदी आदतें अब तुम्हारे में नहीं होनी चाहिए। प्रश्न है, ब्राह्मण बच्चों को बाप से पूरा पूरा वर्षा लेने के लिए किन किन धारणाओं पर ध्यान रखना है? उसमें देखो, ब्राह्मण बच्चों को बाप से पूरा पूरा वर्षा लेने के लिए किन किन बातों पर ध्यान रखना है, कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना होगा अगर पूरा वर्षा चाहिए। बंद क्यों किया दरवाजा? फैन भी बंद कर। कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है? चार बातें हैं, ब्राह्मण बच्चों को बाप समान बनना है, फाइंड आउट करना, सच्चाई, सफाई, पूरा पूरा वर्षा अगर चाहिए तो कौन सी बातों का धारणाओं पर ध्यान रखना, पूरा वर्षा चाहिए, किसी को दुख नहीं देना, पवित्रता का, श्रीमत पर चलने का, किसी को दुख नहीं देना, दुख नहीं देना, दुख, किसी को कोई कड़ी बात नहीं बोलनी है जिससे उसे तकलीफ हो। मुरली से परमत से नहीं चलना, मुरली से फाइंड आउट करना। ओम शांति। सद्गुरुवार को वृक्षपति डे भी कहा जाता है। वृक्षपति डे अर्थात बाप का दिन। उमावस के दिन अंधियारी रात पूरी होती है, फिर दिन शुरू होता है, चंद्रमा उदय होना शुरू होता है, और आजकल जिनका पितृ होता है उसको खिलाए पिलाए पूरा करते फिर मांगना नहीं होता है, सबको तृप्त किया जाता है। पितरों को भी करते हैं ना तृप्त, अमावस्या के दिन करते हैं, पितरों को तृप्त करते हैं। उत्तर पढ़ लिया, रीति रिवाज बाबा को क्लियर होता है। फिर क्यों तृप्त करते हैं पितरों को? फिर वो तकलीफ नहीं देंगे, भाई बच्चों को कुछ हुआ क्या कारण है, पितर नाराज है, पितरों को खिला दो। खिलाना पिलाना मतलब ये संतुष्ट करना। तो दिन में चले गए तो सबको तृप्त किया जाता है, दिन में चले गए फिर रात में लौट आने की दरकारी क्या है? असुल कायदा यह है, 12 मास का जब समय पूरा होता है तो उनको खिलाकर खलास कर देना होता है पितरों को। होगी कोई ऐसी रिवाज? 12 मास तक खिलाया जाता है। रात तो साल में दो बार मनाते हैं, हर महीने अमावस के दिन खिलाते हैं पितरों को। तो मतलब डिपेंड करेगा कि बच्चों की कितनी, घर में क्या प्रॉब्लम है, कितनी प्रॉब्लम है, फिर वो पंडित जी वो कैलकुलेशन करके उतना हर महीने या 2 मास में या 6 मास में वो बताता है। तो बाबा कहते हैं, परंतु ब्राह्मणों ने यह भी रस्म रिवाज बना दिए, वह चली आती है, दक्षिणा आदि मिलती रहती है, वह हद की उमावस। अब बाप आया है बेहद की उमावस में, बाप आते हैं तो आधा कल्प का अंधियारा पूरा होता है, फिर सत्युग में सोजरा ही सोजरा होता है। वह कभी कोई पितर आदि नहीं खिलाएंगे सत्युग में, वहां ब्राह्मण ही नहीं होते,
ऐसे नहीं कि कोई मरते नहीं है, परंतु ये रस्म रिवाज नहीं होता। अतृप्त कोई होगा ही नहीं जो शरीर छोड़ेगा, और शरीर छोड़ने के बाद उसको कोई याद थोड़ी करते रहते हैं उसको, तो रस्म रिवाज भी नहीं है। कोई पितरादि खिलाती नहीं है। यहाँ तो अनेक प्रकार के ब्राह्मण भी है, अब चाहते कि एक वर्ल्ड हो, एक नेशन हो। अब इतने सबका एक नेशन तो हो ना सके, हाँ एक राज्य एक रस्म रिवाज थी, एक नेशन हो कैसे हो सकता है? पूरा वर्ल्ड में एक ही नेशन, बाबा कहते हैं रस्म रिवाज एक हो सकता है जब सतयुग था। जैसे हम सभी ब्राह्मण अलग अलग कंट्रीज के हैं, अलग अलग कम्युनिटी के हैं, नहीं है ब्राह्मण, पर हमारा ब्राह्मण कल्चर कैसा है? एक जैसा, ठीक है ना। अभी मेधावन कहाँ की है? एमपी के। लेकिन कोई भी सेंटर पे चले जाते, कल्चर कौन सा? ब्राह्मण कल्चर है, तो किसी को कुछ नयापन नहीं लगता है कि अरे यहाँ तो अलग है, मैं उस फैमिली में जाऊंगी, वहां का रस्म रिवाज अलग है, नहीं? तो बाबा कहते तो हमारा सबका हाँ एक राज्य एक रस्म रिवाज थी जब सतयुग था, वो तो बाप ही आकर स्थापन करते, वहां सब बिल्कुल मीठे होते, दुख की बात ही नहीं, कब कड़वा बोलते ही नहीं है, पाप करते ही नहीं है। अब जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे नंबरवार, ऐसे नहीं कि कोई वहां चोरी आदि नहीं करेंगे, नहीं, अंदर बाहर साफ रहता है, इतनी क्लीनलीनेस अंदर बाहर की। यहाँ अंदर एक बाहर दूसरे होते हैं, किस कितना एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं, यह सब है रावण राज्य की गंदी चंचलता। बाबा अब इसको एकदम खत्म कर देते हैं, सबकी एकदम झट से गंदी आदतें तो खत्म होती है, होती नहीं, अंदर बाहर साफ रहता है। यहाँ अंदर एक बाहर, यहाँ अंदर एक बाहर दूसरे होते हैं, कितना एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते। फिर कहते हैं अब मैं सीख गई, पहले मैं भी ऐसी नहीं थी, अब मैं सीख गई, तो अंदर एक और बाहर एक होना ये सीखने आता है, अब मैं जमाने को समझ गई, अब दुनिया में ऐसे ही चलना होता है, तो मैं अच्छे से ये वाली बातें सीख लिया। मैं अच्छी थी पहले, ऐसी नहीं थी, मैं बहुत सरल थी, बहुत सहन करती थी, सच्ची थी, अब मैंने सीख लिया। क्या कहेंगे? सीखना होता। ब्रह्मा बाबा इनकम टैक्स ऑफिसर्स आते थे बाबा के पास, मतलब भाई इतना खर्चा कहाँ से आता है, क्या चलता है। बाबा की सच्चाई की लेवल, बाबा मतलब ये तो शक कर रहे हैं ना, इन गवर्नमेंट ऑफिसर्स क्यों आते हैं, इंक्वायरी मतलब शक। बाबा को उसको बिल्कुल जो है, हाँ भाई ये तो यहाँ हमारे सब बच्चे ही चलाते हैं, हमारा बच्चों का बच्चे सब मिलके ये कार ये चलाते, इसमें हमारा कुछ है नहीं, मतलब कहीं से छुपा हुआ कुछ जो भी है बच्चे चलाते। बाबा की सच्चाई दूसरे के शक के वाइब्रेशंस नहीं आना, ये भी अपनी सच्चाई को कंटिन्यू रखना होता है। नहीं तो कभी कभी हम देखते हैं हाँ ये बहुत शक करता है तो क्रोध आता है कि मैं इतना सच्चा हूँ, इसको इतना शक क्यों आता है मेरे ऊपर। जहां क्रोध आता है ना वहां थोड़ा सा मैन्युपुलेशन शुरू होगा, थोड़ा आर्टिफिशियलिटी शुरू हो जाएगी कि अंदर बताएंगे नहीं, क्रोध तो आ रहा है, तो शक आएंगे। उसका शक में अपनी सच्चाई को अगर एकदम वैसा का वैसा रखना है तो वो वाइब्रेशन भी ना हो। बाबा एकदम क्लियरली बच्चे हैं, सरलता से सच्चाई से जो वैसा, ये है सत्व प्रधान संस्कार जो आज हम करेंगे, महालक्ष्मी का आह्वान। तो बाबा कहते हैं कि अंदर बाहर साफ रहता है, यहाँ अंदर एक बाहर दूसरे होते हैं,
ये सब है रावण राज्य की गंदी चंचलता। बाबा अब इसको एकदम एकदम खत्म करा देते, सबकी एकदम झट से गंदी आदतें तो खत्म होती नहीं, टाइम लगता है। जितना जितना योग में रहेंगे, कदम कदम पर देखते रहेंगे कि हम योग में रहते हैं, कोई पाप कर्म तो नहीं करते हैं, खुद मीठा बन फिर औरों को मीठा बनाता हूं। देखो बाबा पूछ रहे, खुद मीठा बन औरों को मीठा बनाता हूं, क्या कहेंगे? खुद ही कड़वा होगा तो दूसरे को मीठा कैसे बनाएगा? फिर कहेंगे आप मेरे वर्ड्स पे मत जाना, हाँ प्लीज डोंट माइंड माय वर्ड्स। खुद कड़वा होंगे तो दूसरे को मीठा कैसे बनाएंगे? यह ऐसे झट प्रत्यक्ष हो जाते हैं, ऐसे वाले झट प्रत्यक्ष हो जाते, छिप ना सके। बाप कहते हैं हमारा बच्चा बन और कोई उल्टा सुल्टा काम करेंगे तो बहुत कड़ी सजा खाएंगे, पदवी भ्रष्ट होगा। भगवान खुद बैठ पढ़ाते हैं देवता बनाने के लिए, देवताओं की महिमा गाते हैं, सर्वगुण संपन्न, अहिंसा परमो धर्म। हिंसा दो प्रकार की होती है, एक तो काम कटारी की हिंसा से मनुष्य आदि मध्यंत दुख पाते हैं, दूसरा फिर क्रोध में आकर एक दो को मारते दुख देते हैं, दुखी होते हैं। यहाँ तो बच्चों को कहा जाता है मनसा वाचा कर्मणा, ऐसा कोई काम ही नहीं करना है, कोई को दुख नहीं देना है, हम है ही दुखकर्ता सुखकर्ता के बच्चे। सब तो सबको यही युक्ति बतानी है, तुम कैसे दुख हर कर सुख दो, किए हुए कर्मों का हिसाब किताब चुक्त हो जाता है। यहां बाप समझाते इस जन्म में जो कुछ पाप कर्म किए हैं, जो जो याद आता है इस जन्म का, बतलाने से आधा कट जाएगा। देखो खुद के विकर्म को, क्योंकि उन्होंने कुछ भी किया, कहा, बोला, देखा, मैंने क्या संकल्प किया, ये तो मुझे क्लियर होता है ना, तो खुद के विकर्मों की बहुत ज्यादा क्लैरिटी हमको ही होती है। जो कहा वो चलो उनको पता है, लेकिन जो संकल्प हुआ, बाबा कहते बतलाने से आधा कट जाएंगे। परंतु अनेक जन्मों के किए पाप कर्म तो बहुत है ना सिर पर, ये तो ज्ञान में आने के बाद हुआ होगा, होता है ज्ञान में आने के बाद? तो बाबा कहते अभी बाप समझाते हैं तो कितना विकर्म है, अभी बाप समझाते कि इस जन्म में भी ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जिसका पाप बने। श्रीमत पे नहीं किया, मनमत पे किया, ये सोच के कन्वीनियंट है, राइट है, बाबा तो ऐसे ही कहता है, तो ये भी क्या हुआ, विकर्म या श्रेष्ठ कर्म? जाएगा विकर्म की, वो ना वो पकड़ते हैं ना वो ट्रैफिक पे, बोलते मुझे तो ऐसे लगा कि इधर तक अलाउड है, इधर तक नहीं अलाउड है, ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया। क्या बोलेगा ट्रैफिक पुलिस? ओके ओके ठीक है, आपको नहीं लगा ना तो कोई बात नहीं। वो क्या बोलते हैं, आपको नहीं प्रॉब्लम, आपको नहीं समझ में आई, आपकी प्रॉब्लम है, पुलिस तो फाइन करेगा ही ना। मतलब हमको ऐसे लगा कि ये रेड लाइट नहीं ग्रीन लाइट है, तुमको लगा तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, हमको तो यहाँ पता कि ऐसे करना है ऐसे करना है, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुमको लॉ नहीं पता। लॉ तो हमको पता होना चाहिए, इसलिए मुरली क्यों रोज रोज सिखाते? बाबा इसलिए कहते हम है ही दुखकर्ता सुखकर्ता के बच्चे। यहाँ बाप समझाते हैं इस जन्म में बाप का बनकर कोई भी पाप कर्म नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण बनने बिगर वर्षा मिल न सके, ये बाप दादा है ना, वर्षा तुम कौन से मिलता है, इनसे नहीं, ये अपने को कुछ नहीं कहलाता है। कल आज भी बोला, कल भी था, ये तो अपने को कुछ नहीं कहलाता है, यह तो सिर्फ रथ है, इनसे तुमको कुछ मिलता नहीं है।
यह भी अभी सज रहा है, अपने पुरुषार्थ से ही सजते हैं ना, डेकोरेट कैसे होते, इनकी बाबा तरफदारी नहीं करते, इनके तरफ नहीं बोल रहे, ये तो बाबा कभी कभी हंसी करते हैं कि किराया तो मिलेगा ना, परंतु किराया मिलता है कि नहीं। बाबा कहते हैं, बाबा तो हंसी में कहते हैं किराया तो मिलेगा ना, तो ब्रह्मा बाबा को मिलता है किराया, परंतु पुरुषार्थ जैसे तुम्हें करना है वैसे इनको करना होता है। बाबा पर्टिकुलर बहुत थे, फोकस्ड थे, प्रायोरिटी थी, मेन लक्ष्य जीवन का ये था। क्या हम जीवन का लक्ष्य रखते हैं ये हमारा उसके अकॉर्डिंग है। हमारा लक्ष्य जैसे होता है कि ये काम मुझे पहले करना है, तो क्या होगा, तो बाकी सारे काम को इतना उस पर पूरा फोकस होगा। तो मेरी मन स्थिति पर मेरा कितना फोकस है, ये मेरा पहला काम है, ये जो समझता है वो है सच्चा पुरुषार्थ। तो बाबा इसलिए कहते हैं जैसे तुम्हें करना है वैसे इनको करना होता है। ये लालच नहीं रहती कि हमको किराया देंगे, यह तो बाबा हंसी करते हैं आत्मा को, सुना, हंसी करते हैं बाबा आत्मा को। तो योग बल से सत्व प्रधान बनना है, पुरुषार्थ किया, जितना योग उतना पावन बनेंगे, और फिर आप समान भी बनाना है। तुम बच्चे जानते हो जो अच्छे अच्छे सर्विस करने वाले हैं वह नामी ग्रामी है। अच्छा, बाबा सर्विस पर भेज देते हैं, बहुत मीठा बोलना आता है, कोई से लड़ना झगड़ना नहीं। ब्राह्मण अगर कड़वा बोलते हैं तो कहेंगे इनमें तो क्रोध का भूत है। स्तुति निंदा में समान रहना चाहिए, बहुतों में क्रोध का भूत है, तो जो जहां क्रोध होगा ना वो पूरा सच्चा हो ही नहीं सकता, क्योंकि अंदर क्रोध आ रहा है तो कन्वर्ट करके ऊपर स्वीटनेस हो जाती है, कन्वर्टर लगा देते हैं, ज्यादा क्रोध आता है तो वो कन्वर्टर काम करना बंद कर देता है। हाँ, निंदा स्तुति दोनों में एक समान, कोई प्रेज, एक्चुअली उसमें प्रेज में एक जैसा, चलो निंदा में हम एक जैसा हो सकते, प्रेज में इतना सा भी फीलिंग नहीं आई कि प्रेज कर रहा है मुझे, तो ऐसा कोई कह ना सके कि हमारे में क्रोध नहीं है। कोई में जास्ती, कोई में कम होता है, कोई कोई का तो आवाज ही ऐसा होता है जैसे लड़ाई करते, इतना जोर से आवाज होता है, सुना, तो आवाज कितना होना चाहिए, ये तो कितने दिनों से बाबा की चल रही है आजकल वॉल्यूम, बोलो बोलो प्रदीप भाई बताएंगे कितना वॉल्यूम होना चाहिए। नहीं नहीं मैं तो स्लो बोलती हूँ, आपको कितना बोलना चाहिए बटन खराब है वॉल्यूम का, वो थोड़ा ठीक करो, मॉड्यूलेशन करना होगा। थोड़ा वॉल्यूम ठीक करो, बटन ठीक कराना होगा, इतना ही बोलो, आवाज इतनी आदत रखो। तो बच्चों को बहुत बहुत मीठा वॉल्यूम, वॉल्यूम से वैसे ही शांत होता है ना, आजकल मौसम के कारण भी और फिर वातावरण सेंटर का वैसे भी शांत होता है, तो वो आवाज पता चलता है, आवाज पता। बच्चों को बहुत बहुत मीठा बनना है, यहाँ सर्वगुण संपन्न बनना है। विकार तो अनेक प्रकार के हैं ना, क्रोध करना, झूठ बोलना, ये सब विकार है,
बाप कहते हैं बच्चे अभी कोई विकर्म करेंगे तो बहुत सजा खानी पड़ेगी, वहां तो मेरे साथ दंड देने वाला। फैन बंद कर दो अंका, फैन बंद। वहां तो मेरे साथ दंड देने वाला धर्मराज है, यहाँ सजा मिलती है प्रत्यक्ष, धर्मराज की सजा मिलती है गुप्त। गर्भ जेल में भी सजाएं भोगते हैं, कोई को बीमारी आदि होती है वो भी कर्म भोग है, धर्मराज द्वारा दंड मिलता है। आगे का भी अभी मिलता है, अभी का भी अभी मिल सकता है, फिर गर्भ जेल में भी मिलता है, वह है गुप्त। धर्मराज तो वहां वहां तो सजा नहीं देंगे ना, यहाँ फिर शरीर से भोगना भोगनी पड़ती है। अब बाप हमको इनसे छुड़ा रहे हैं, परम पिता परमात्मा और धर्मराज बाबा दोनों हाजिर है। अभी 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 सभी के कयामत का समय है, हर एक की जजमेंट होती है, ये भी ड्रामा में नूंद है। कयामत का समय है, कयामत का समय मतलब कयामत का समय, डिसाइडिंग टाइम, मतलब जैसे वो कहते हैं ना डिसाइडिंग बॉल है, डिसाइडिंग वो मैच है, या डिसाइडिंग वो 3 घंटे का पेपर, ये पूरा मेरा डिसाइडिंग जीवन का डेस्टिनी, वो लोग जजमेंट डे बोलते हैं। हाँ, कयामत, जजमेंट का। तो अभी वो टाइम है, इसमें हम लापरवाही करेंगे वो लास्ट बॉल है, पूरा डिसाइडिंग मैच है, डिसाइडिंग ओवर है, तो क्या होता है उस समय कितना अलर्ट होता है। तो बाबा कहते हैं कि हर एक की जजमेंट होती है, तो अभी कयामत का समय है, ये भी ड्रामा में नोंद है। जबकि तुम बच्चे समझते हो संपूर्ण बनना है, तो बच्चे कोई भी पाप कर्म नहीं करो, अपने कल्याण के लिए जितना हो सके उतना पूरा पुरुषार्थ करना है, करना चाहिए। कल्प कल्पांतर की बात है, वो पढ़ाई होती है एक जन्म के लिए, दूसरे जन्म में फिर दूसरी पढ़ाई है, यह है 21 जन्मों की। अविनाशी बाप अविनाशी पढ़ाई पढ़ाते हैं, जिसे 21 जन्मों के लिए अविनाशी पद भी मिलता है, बाप से 21 जन्मों के लिए वर्षा मिलता है। तुम हो, तुम बच्चे जानते हो, देखो बाप से 21 जन्मों का वर्षा मिलता है, तुम बच्चे जानते हो ये पुरानी दुनिया है, नई दुनिया में भारत अकेला था, अब फिर ये चक्र फिरना है, नई सृष्टि स्थापन हो, पुरानी का विनाश होता है। ये तो गया हुआ है, परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं। ब्राह्मण तो जरूर चाहिए, तो जरूर पवित्र भी बनते होंगे, राजयोग भी सीखते होंगे, इन्हीं को जाकर बनना है देवी देवता, कोई दूसरे ऊपर से अलग से कोई आने वाला नहीं है सेक्शन देवी देवताओं का, इन्हीं को जाकर बनना है। तो फिर वो इंटरमीडियरी जो बीच वाला फेज होगा ना, यही आत्माएं देवता बनने वाली, महालक्ष्मी बनने वाली है, नारायण बनने वाली है। तो बाबा कहते हैं तो जरूर पवित्र भी बनते होंगे, राजयोग भी सीखते होंगे, हम ब्रह्मा कुमार कुमारिया तो पवित्र बन रहे हैं। बाप यह नहीं कहते कि घर बार छोड़ो, नहीं, गृहस्थ व्यवहार में रहते महालक्ष्मी बने, सभी बने थे कल सारा समय बैठे, चलो कम से कम भी बैठे बैठे ना तक बने कि ओनली बने आज, वंडरफुल, बहुत अच्छा। और क्या चाहिए, कमल का फूल वजन ले पाया ना, क्योंकि लाइट है, संकल्पों की लाइटनेस। तो बाबा कहते हैं ये बाप दादा नाम बहुत अच्छा है, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो, दादे से वर्षा मिलता है, वह है ऊंचते ऊंच, ब्रह्मा तो पतित था ना, ये पहले पहले श्रेष्ठाचारी पूज्य महाराजा था, अब अंत में आकर पतित बन गया, यह है इनका अंतिम जन्म। इस दुनिया में कोई पावन है ही कहाँ, पावन दुनिया में कोई याद नहीं करते, गाया हुआ भी है,
आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। इसका हिसाब भी तुमने समझा। सूर्यवंशी जो जो है वो पहले पहले अपना वर्षा लेने आएंगे। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल। तो दलाल तो अलग रहे, कौन सी आत्मा अलग, बहुत काल से अलग रहती। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल नहीं, बहुत काल से जो आत्मा अलग रह रही वो है सूर्यवंशी की स्टार्टिंग की आत्मा। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि हाँ गाया भी हुआ तो सूर्यवंशी जो है वो पहले पहले अपना वर्षा लेने आ जाएंगे बाबा से। और सूर्यवंशी की निशानियां एक है अष्ट रत्न की निशानी, एक है राजा रानी की निशानी, एक है सूर्यवंशी की निशानी। जैसे ज्ञान मिलेगा ना उनको जच जाएगा, जचने के बाद चलने लग पड़ेंगे फास्ट सूर्यवंशी घराने की आत्माएं। अब आत्मा शरीर छोड़कर गई, कहते स्वर्ग पधारा, फिर उनको नरक में मंगाने की दरकारी क्या है, कुछ भी समझते नहीं है। साधु संत आदि भी मरते हैं तो उनकी भी वर्षी मनाते हैं, भोग लगाते होंगे। अब क्यों मनाते हैं उनकी, क्योंकि बाबा कहते हैं जब कहते ज्योति ज्योत समाया फिर भोग क्यों लगाते हैं? अब उसको क्यों बुलाएंगे भोग खाओ, वो तो समा गया ना, मिक्स हो गया ना। साधु संत के लिए कहते हैं, बाकियों के लिए तो फिर ठीक है, वो तो कहते हैं कि जन्म लेता है, असंतुष्ट है, इसलिए भोग लगाते हैं। पर बाबा कहते हैं फिर जब कहते ज्योति ज्योत समाया फिर भोग क्यों लगाते, अच्छा वर्षी क्यों मनाते, शरीर तो खलास हुआ वो वर्षी मनाते, शरीर तो खलास हुआ आत्मा भी गई, फिर आत्मा को बुलाने की क्या दरकार है, ज्योति में लीन हो गई फिर आ कैसे सकती है। कितनी लॉजिकल बात है, जब ज्योति में मिक्स हो गई है तो फिर कैसे आ सकती है। तो इसलिए हम लोग का हम क्यों बुलाते हैं दादिया या आह्वान होता है, क्योंकि वो आत्मा मिक्स थोड़ी हुई है, वो तो आत्मा अभी अपना पार्ट प्ले कर रही है, चाहे गुप्त चाहे प्रत्यक्ष जो भी पार्ट मिला है वो मिक्स तो होती नहीं। तो अनेकानेक मत है, ऐसे भी कहते मनुष्य मोक्ष पाता है फिर आता नहीं। अच्छा मोक्ष को पाया तो और ही खुशी मनानी चाहिए, पाट बजाने से छूट गया फिर तो उनको याद भी नहीं करना चाहिए। यह भी तुम जानते हो सभी मनुष्य मात्र एक बाप को याद जरूर करते हैं, मानते भी सब भाई भाई है, तो भाइयों को बाप से वर्षा जरूर मिलना चाहिए। सर्वात्माओं का सदगति दाता एक है, सभी आत्माओं को वापिस जाना है। मनुष्य मनुष्य को सदगति कैसे दे सकते हैं, इसलिए एक ही सर्व के सदगति दाता का नाम मशहूर है, वही ज्ञान का सागर पतित पावन है। वो बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं, सभी को रावण राज्य से छुड़ाते हैं। इनको सब रावण राज्य से छूट गए, इनको बेहद की अमावस कहेंगे। वो है ना छूट जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग में बाबा ने कहा ना पितरों का वो होता है कि वो अमावस में खिलाने से वो मुक्त हो जाते, उनकी मुक्ति के लिए। तो बाबा कैसे छुड़ाते हैं, रावण राज्य से सबको छुड़ाते, यही बेहद की अमावस। आधा कल्प है बेहद की रात, फिर आधा कल्प है बेहद का दिन, ये खेल है। जब रिलीजियस कॉन्फ्रेंस वाले बुलाते हैं शांति शांति कैसे हो तो वहां बताना चाहिए, शांति का मेथड है, शांति का मेथड है, पूछते हैं ना रिलीजियस कॉन्फ्रेंस वाले, तो शांति का मेथड है एक धर्म एक मत एक राज्य, ये सब एकता। जहां थोड़ी भी अब हम सब में एकता, शांति क्यों है, एकता है, यूनिटी है, एक मत है, भाई बाबा ने कहा है ना तो हम फॉलो करेंगे।
तो जहां एक मत होगी वहां शांति होगी, जहां भिन्न मतें होगी तो चाहे रिलीजन ही हो, एक घर में चार अलग अलग स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस में लोग चलते हैं, मदर इसमें तो फादर इसमें, तो भी एक मत हो सकती है, कॉन्फ्लिक्ट तो आएगा, शांति नहीं हो सकती, चाहे रिलीजियस ही है, मतलब स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन ही है। तो बाबा इसलिए कहते नई दुनिया में एक ही धर्म था, पुरानी दुनिया में झाड़ कितना बढ़ जाता है, अनेक धर्म है, अब अनेक धर्मों का विनाश, धर्म का ही विनाश पूरा, और एक धर्म की स्थापना, ये बाप का ही काम। और वो कौन सा होगा? सारे धर्म का विनाश, और उन सारे धर्मों में जो मूल मंत्र है वो सबका लिया और उसकी स्थापना। सब धर्मों का मूल मंत्र क्या है? मनुष्य की नेचर अच्छी, कर्म अच्छे, विचार अच्छे, ये तो मूल मंत्र है ना सब धर्मों का। कहते हैं ना मजहब नहीं सिखाता आपस में प्रेयर, मजहब सिखाता है, मस्जिद भी यही सिखाता है और मंदिर भी यही सिखाता है। तो इन सब का जो कॉमन है वो परमात्मा करते हैं, बाकी सब ऊपर के स्केलेटन पूरे छिलके सब विनाश हो जाते हैं। तो अब अनेक धर्मों का विनाश और एक धर्म की स्थापना यह बाप का ही काम है। शिव बाबा कहते हैं ये हमारा काम है, हम कल्प कल्प आकर ये काम करता हूं। सत्ययुग की राजधानी के लिए राजयोग जरूर संगम पर ही सिखलाएंगे, सभी पतितों को पावन बनाते हैं। कहते मैं आता हूं बहुत जन्मों के अंत के जन्म में, अंत के जन्म के अंत में, बहुत जन्म 84 जन्म के अंत लास्ट वाला, उस जन्म के भी 60th के एज में आया अंत में, जिसने पूरे 84 जन्म लिए फुल, उनके रथ में ही आकर समझाता हूं। नई दुनिया तो है ही नहीं, पुरानी दुनिया में ही आकर नई दुनिया बनाता हूं, पतित दुनिया को पावन बनाता हूं। मेरा नाम ही है दुख हरता सुख करता, सुख में कोई मुझे याद ही नहीं करते, दुख में मुझे याद करते हैं, क्यों? अच्छी बात बाबा ने कही, सुख में कोई याद नहीं करते, दुख में सब याद करते, क्योंकि जरूर सुख मिला हुआ था, दुख में उसको याद करते जिनसे कभी सुख मिला था, उसको याद करते ना कि काश अगर वो होता ना तो बात कुछ और होती, और कुछ नहीं था। तो कभी मिला था ना उससे, तो अन जाने या अनजाने में परमात्मा को सभी याद करते, मतलब मिला था। तो तुम भी, बाप कहते मैं आया हूं पढ़ाने, अब पढ़ना तुम्हारा काम है, मनुष्य तो घोर अंधियारे में है, तुम भी कुछ नहीं जानते थे, इस समय सारी दुनिया का बेड़ा डूबा हुआ है, कितने दुखी है, तुम सबका बेड़ा पार करते हो, सब शांति धाम में चले जाएंगे, ये बातें तुम्हारी बुद्धि में है, सो भी नंबर वार इतना बाबा कहता है, लेकिन कई करते कई नहीं करते। कितना जो लाइट हाउस बने होंगे वह दूसरों को भी रास्ता बताते रहेंगे, उनका काम ही है, लाइट हाउस का काम ही है रास्ता बताना। वो होते हैं ना बोट्स, जहां नाव चलती है तो वहां एक लाइट हाउस होता है। तो तुम्हारी भी बुद्धि में है, जो उन बच्चों को बाप कैसे पढ़ाते हैं ये तो स्थाई खुशी रहनी चाहिए, यहाँ आकर तो बहुत रिफ्रेश हो जाते हैं और बाहर जाने से अभी तो नहीं है ना ऐसा, बाहर जाने से ही नशा गुम हो जाता है, थोड़ा उसका वाइब्रेशन टच कर देता है। और दूसरा है कहीं कहीं हमारा फोकस इतना, हम इतना स्ट्रॉन्गली उसको संकल्प करके नहीं जाते होंगे,
कोई चीज हम एकदम स्ट्रांगली करते हैं ना, अंदर दिल में अपील होती है करना ही है, तो फिर उसका बाहर का वाइब्रेशन भी टच नहीं करते, ऐसा है। क्योंकि अपना फोकस बहुत क्लियर है। तो साकार बाबा का यही मेन था कि उनका ये सबसे फर्स्ट काम मेरा ये है, मेरी मन की स्थिति, मुरली, योग, पुरुषार्थ, ये मेरा फर्स्ट है बस। तो ठीक, फिर ऑटोमेटिक ध्यान होगा। इसलिए बाबा कहते हैं यहाँ बहुत नशा रहता है, यहाँ आकर बहुत रिफ्रेश हो जाते हैं, बाहर जाने से नशा ही गुम हो जाता है। तो बच्चे बाप से पूरा पूरा वर्षा लेने की तमन्ना रखनी चाहिए, पूरा पूरा वर्षा, कदम कदम पर। उसके लिए क्या करना है? कदम कदम पर बाप से राय लेते रहना है। कल भी था ना मुरली में कि बच्चे बाबा इस हालत में क्या करें, राय लेना चाहिए। तो राय लेने से क्या होगा, क्योंकि कितना भी हम मास्टर हो जाए, ये प्राणायाम करते हैं ना, तो हम कितने भी मास्टर हो जाए कि सीख लिया, लेकिन धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा उसको वो ढीला 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 करते करते, अगर कोई सामने ट्यूटर नहीं होता है तो कई वो पता नहीं चलता है, धीरे धीरे वैसे वैसे करते करते, और एक दो महीने के बाद वो जो करना चाहिए वो काफी डिफरेंट रहता है जो एक्चुअल होता है। वो सामने कोई कराने वाला होता है तो तो इसलिए बाबा कहते हैं कि कदम कदम पर राय लो। बाबा की मुरली बहुत अच्छी राय है। आगे तीर्थों पर पैदल जाते थे, बहुत खबरदारी से जाते थे, इस समय तो बस ट्रेन में जाते हैं। माया का इस समय भपका बहुत है, पैदल पहले तो पैदल जाते थे ना, सत्युग में भपका था, फिर द्वापर से गिरता गया, अब फिर पिछाड़ी में शुरू हुआ है। इनको माया का पंप कहा जाता है, किसको कहो चलो स्वर्ग में तो कहते हैं हमें यहाँ ही सब सुख है, मोटरे एरोप्लेन आदि सब है, हमारे लिए तो स्वर्ग यहाँ ही है, धन माल जेवर आदि सब है। लक्ष्मी नारायण को भी तो जेवर है ना, हम भी पहन सकते हैं, कितना भी समझाओ फिर भी विष ही याद रहता है। विष मतलब विकार, बिगड़ रह नहीं सकते, वही वही याद आता है। तो बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं तुम मेरी बात मानते नहीं हो, पावन नहीं बनते हो, तो मुझे बुलाती क्यों हो कि हे पतित पावन आओ। याद रखना, स्ट्रॉन्ग वर्ड बोला है बाबा ने, भगवान को बुलाया महाकाल है, बहुत बुलाने के बाद आया, सामने खड़ा है, रोज ट्रेनिंग दे रहा है, सावधानी दे रहा है, अब याद रखना। क्या याद रखना? याद रख लेना, ये वर्ड याद रखना बाबा, अभी नहीं मानेंगे तो धर्मराज द्वारा सजा दिलाएंगे। अगर अभी नहीं माने तो धर्मराज द्वारा सजा दिलाएंगे। डराते भी है, बहुत बच्चे विकार में जाते ही रहते हैं, डरी नहीं है, बाबा का ज्ञान सुनते रहते हैं, गलत कर्म करते रहते हैं, डरी नहीं है, भगवान तो सब जानता है ना। तो सुना, सुनना है, सुनना है किसको? पहले क्या बोला बाबा ने, याद रखना, ये याद रखना वर्ड ही अपने आप में स्ट्रॉन्ग है। बाबा कहते हैं वह कितने हंटर खाएंगे। मैंने बोला, मेरे सामने प्रतिज्ञा की, फिर विकार में गए, वो हंटर खाएंगे। बात मत पूछो, हंटर मालूम है ना किसे कहते हैं, वो ना बहुत वो लोहे का होता है, उसे बहुत लगती है। बाबा कहते हैं आप बहुत सीरियस है बाबा, बात मत पूछो कितने हंटर खाएंगे, क्योंकि पता है फिर भी किया,
पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। पुरुषार्थ कर उच्च पद पाना चाहिए। संग दोष में ऐसा गिर पड़ते हैं जो एकदम अपना पद गवा देते हैं। तुम जानते हो अभी हीरो आदि की खानियां खाली होती जा रही है, फिर भर जाएगी। सोने हीरो के पहाड़ होते हैं सतयुग में। हीरे जब खोद कर निकालते हैं तो पहले पत्थर होते हैं, फिर उनको साफ कर हीरा बनाते हैं। तुमको भी ज्ञान सिरान पर चढ़ाते हैं तो तुम कितने अच्छे हो जाते, ज्ञान की ऊंचाई पर तो कितने अच्छे हो जाते। अच्छा मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार। रूहानी रूहानी बाप बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। बाबा शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए सार है। अच्छा पहले पॉइंट मिला, का पॉइंट मिला। जो शुरू में था क्वेश्चन, लाइट हाउस बन से पूरा पूरा वर्षा, पूरा पूरा दो बार पूरा है। लाइट हाउस बन औरों को रास्ता दिखाएंगे। दीदी एक ही बाकी तीन स्तुति और निंदा में समान रहना है। ये हो गया कदम कदम पर राय लेंगे। दुख करता सुख करता हो गया, सबको सुख देना है। तो भी लास्ट में बोला मीठा बनाना है, मीठा बनना है बाबा की तरह। किस जन्म में बाप का बनकर फर्स्ट, ऐसा पाप कर्म न हो जिसकी 100 गुना सजा भोगनी पड़े। फर्स्ट ऐसा कोई इस जन्म में बाप का बनने के बाद कर्म नहीं जो 100 times उसका मिले। बहुत हो जाता है 100 times। मैंने संकल्प किया, कोई भी इम्प्रेस हो गई, संकल्प किया 100 times। और दूसरा है, पहला वाला बताना, बाप जो अति मीठा है ये नहीं है, बाप जो अति मीठा है वह तुम्हें आप समान मीठा बनाते हैं। इसलिए मुख से कोई कड़वा बोल ना निकले जिससे दूसरे को दुख हो। बोल दो फिर बोला सॉरी सॉरी सॉरी। तीसरा, दुख हरता सुख करता के बच्चे बन सबके दुख हरने हैं। मनसा वाचा कर्मणा सुख देना है। और फोर्थ है, स्तुति निंदा में समान रहना। चार बातें धारणा के लिए सारे। कयामत का समय है, अभी कयामत का समय है, इसलिए कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। अपने कल्याण का पुरुषार्थ करना है, बहुत बहुत मीठा बनना, बहुत मीठा बनना है, क्रोध को छोड़ देना है। जो बहुत प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही चल सकता है ना, उसको भी क्रोध बहुत आता है। थोड़ी भी प्लानिंग में डिस्टरबेंस हुई, मतलब प्लानिंग बुद्धि भी होना है लेकिन प्लेन बुद्धि नहीं है ना, वो बैलेंस नहीं है, तो भी क्रोध बहुत आता है। प्लानिंग और एक्सपेक्टेशन ये साथ साथ चलते, प्लानिंग और प्लेन होना चाहिए, प्लानिंग और एक्सपेक्टेशन। अच्छा सेकंड है, बाप से पूरा पूरा वर्षा लेने की तमन्ना रखनी है। कदम कदम पर बाप की राय लेनी है। बाप समान दुख हरता सुख करता बनना है।
बाप समान दुख हरता सुख करता बनना। वरदान है स्वयं के संकल्पों की उलझन, बहुत पावरफुल। स्वयं के संकल्पों की उलझन अथवा सजाओं से भी परे रहने वाले पास विथ ऑनर भक्त। पास विथ ऑनर अर्थात मन में भी संकल्पों से सजा न खाए। धर्मराज के सजाओ की बात तो पीछे है, परंतु अपने संकल्पों की भी उलझन अथवा सजाओ से परे रहना है। यह पास विथ ऑनर होने वालों की निशानी है। वाणी कर्म संबंध संपर्क की बात तो मोटी है, लेकिन संकल्पों में भी उलझन पैदा ना हो ऐसी प्रतिज्ञा करो, तब पास विथ ऑनर बनेंगे। पास विथ ऑनर, संकल्पों में कंफ्यूजन की नेचर, संकल्पों में चिड़चिड़ापन, संकल्पों में बहुत सोचने की आदत, और संकल्पों में मतलब चुप बैठे हैं, ये वाला नेचर, ओवर थिंकिंग, ये सब सजा है आत्मा की। तो बाबा इसलिए कहते वाणी कर्म तो बहुत आगे की बात है, लेकिन इवन संकल्पों में नेचुरली, आज का भी पोषण ये सत्व प्रधानता मेरी नेचुरल हो, नेचुरल क्रोध नहीं आए, नेचुरल मिठास, तब पास विथ ऑनर होंगे। नेचुरल कमिटेड का गुण, स्लोगन है ज्ञान घृत और योग की बत्ती ठीक हो तो एक खुशी का दीपक है, कल एक हैप्पीनेस का दीपक भी होगा। ज्ञान का घृत और योग की बत्ती अच्छी है, घी, तो ज्ञान घी का काम करता है ना, घी होता है ना, तो फिर वो योग रूपी बत्ती जलती रहती है। कोई कहता है कि योग मुझे बहुत अच्छा लगता है, घी नहीं होगा तो योग कैसे लगेगा कितना अच्छा है बाबा का योग की बत्ती ज्ञान का घी डर गए बहुत स्ट्रॉन्गली वर्ड्स कहे धर्मराज की। बाबा कहते बच्चे रोज रोज सुनाते सुनाते भी नहीं मानेंगे तो क्या करते फिर। ये अच्छा है, ऐसा है, दिवाली के अराउंड स्ट्रॉन्ग होता है। अच्छा आज का व्यक्ति शारी भी बहुत अच्छा है, किसका चल रहा है ना, तपस्वी मूर्ति में अंतवाहक स्थिति, अंतवाहक अर्थात अंतिम स्थिति। आज हम थोड़ा करेंगे प्रैक्टिस, अभी पावरफुल स्थिति ही आपका अंतिम वाहन है। अपना ये रूप सामने इमर्ज कर फरिश्ते रूप में चक्कर लगाओ, सकाश दो, तब गीत गाएंगे कि शक्ति आ गई, फिर शक्तियों द्वारा सर्वशक्तिमान स्वतः ही सिद्ध हो जाएगा। शरीर को इधर रखो लिटरली और मैं जाती हूँ चक्कर लगा के आती हूँ। वो योगी का बताते ना, वो बैठा है समाधि में और वो अंतवाक शरीर चक्कर लगाया आगे, तो ऐसा विजुअलाइज करते हैं। हम लोगों ने किया था शायद 21 दिन में ऐसा, नहीं अभी की बात, हाँ वो भी है उस समय भी की, अंतवाहक स्थिति से चक्कर लगा। ये पुरुषार्थ बहुत अच्छा है।